नमस्कार, एटा न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदित्य राजपूत। आज वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे जो है वो मनाया जा रहा है पूरे देश भर में, और आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं ऑल जम्मू एंड कश्मीर फार्मासिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सुशील सूजन जी। इनसे हम बात करते हैं, सर आज की थीम क्या है और किस तरीके से जो है आज ये मनाया जा रहा है वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे। मैं प्रेसिडेंट हूँ जम्मू कश्मीर मेडिकल लाइफ फेडरेशन का और मेम्बर हूँ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का। आज का जो थीम है वो है फार्मेसी स्ट्रेंथनिंग हेल्थ सिस्टम, अंगदान महादान, ये हमारी इस साल की थीम है। और 1912 में इस्तकबाल तुर्की में हमारी जो FIP होती है उसमें ये दिन जो है मुकर्रर हुआ था, और हर साल FIP जो थीम मुकर्रर करती है। तो हमारा ये है कि अभी कोविड में हमारे 10 लोग शहीद हुए थे, तो जीते जी तो हम पब्लिक की सेवा करते हैं, मरने के बाद भी हम क्या कोई अपना अंग जो है दान कर सकें, उसी पर ये आज का इस बार का थीम है। और कैसे हेल्थ सिस्टम को स्ट्रेंथ कर सकें उसी पर जो आज हम ये जो हमारी जो वर्ल्ड फार्मेसी डे उसी को मना रहे हैं। और इस दिन पर तमाम जो मेडिकल के एम्प्लॉइज़ हैं और पर्टिकुलरली फार्मासिस्ट को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि इस दिन को बढ़ चढ़ के जैसे हम ईद दिवाली गुरुपुरब मनाते हैं ऐसे इस दिन को मनाना चाहिए। सर अगर बात की जाए तो जेनरिक मेडिसिन होती हैं उनकी कॉस्टली जो है वो काफ़ी कम होती है, और जो कंपनी की मेडिसिन होती है उनकी कॉस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, क्या डिफरेंस रहता है इन दोनों में? एक्चुअली क्या है कि अभी प्रधानमंत्री जी जो हमारे उन्होंने शुरू किया है कि जेनरिक दवाइयों का वो प्रचलन शुरू किया और हर जो हॉस्पिटल में दुकान भी खोली है। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड तो हो गया, उसको फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बनाना है। वो तभी बनेगा जब हम स्ट्रेंथ हेल्थ सिस्टम को स्ट्रेंथ करेंगे, तो हम फार्मासिस्ट ऑफ वर्ल्ड उसको बना सकेंगे। तो सर अगर बात की जाए तो पिछली बार भी देखा गया कि काफ़ी डुप्लीकेसी जो मेडिसिन हैं उसको पकड़ा जाता है, उस पर किस तरीके से काम किया जा रहा है? एक्चुअली एक हमारा जो सेंट्री ड्रग इंस्पेक्टर होते हैं उनका एक सिस्टम होता है, वो उनकी एक कंपोनेंट है, वो उसको करते हैं। और बड़ी सारी दवाइयाँ आपको समझते हैं कि लेबॉरेटरी में जाती हैं उसका, मगर ये पहले ही हो जाना चाहिए, जब मार्केट में जाने के बाद वो उसको पकड़ते हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। काफ़ी आगे आ चुके हैं आजकल डुप्लीकेट साल्ट काफ़ी आ रहे हैं। नहीं, वो तो नेचुरल है, जब कोई काम चलेगा तो नेगेटिविटी साथ ही चलती है। उसको ये बताइए कि मेडिसिन बनती कहाँ पर, सुना कि हिमाचल में मेडिसिन जो है वो तैयार की जाती है। हाँ, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, हिमाचल में है, गुजरात में है, बहुत सारी जगह इंडस्ट्री जो है वो चल रही है हमारी। सर आज के दिन पे क्या मैसेज रहेगा जम्मू कश्मीर के लोगों को? यही कि जब हम एज ए फार्मासिस्ट सिस्टम को स्ट्रेंथ करें, हेल्थ सिस्टम को, मरने के बाद अंगदान करके कोई ना कोई महादान करें और इस सोसाइटी की सेवा करते रहे। बहुत शुक्रिया बात करने। तो ये थे हमारे साथ सुशील सूजन जी, जिनके साथ आज हमने बात की वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे पर। आप लोग इस वीडियो को नीचे अपनी राय जरूर रखिएगा, तब तक के लिए बने रहिए आप एटन न्यूज़।